हेलो फ्रेंड्स, कादियान्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बची हुई इडली का एक ऐसा स्पाइसी सा स्नैक बनाने वाली हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है, झटपट बन जाता है, बच्चों को बड़ों को सभी को काफ़ी पसंद आता है। तो जब भी आपके पास इडलियाँ बच जाए, चटनी ख़त्म हो जाए, तो आप ये बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक प्याज लिया है और दो टमाटर लिए हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है, हरी मिर्ची ली है, कुछ करी पत्ते लिए हैं। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन या फिर हरा प्याज आप कह सकते हैं वो लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें लेना है, थोड़ा सा हमें सरसों के दाने चाहिएंगे और यहाँ पे इडलियों को मैंने काट लिया है। तो मेरे पास लगभग 6 इडलियाँ थी जिसे मैंने काट लिया है और एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डाल करके उसमें हम थोड़ा सा सरसों के दाने और एक चुटकी हींग डाल करके पका लेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट जो कि लगभग 1 चम्मच के करीब है उसे भी हम पका लेंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है अभी, तो अब हम इसमें करी पत्ता को डाल लेंगे और थोड़ा सा पकने के बाद में हम प्याज को भी डाल लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और अब हम हरी मिर्ची को डाल लेंगे। तो हरी मिर्ची हमें बारीक काट लेनी है और दो टमाटर जिसे मैंने रफली काट लिया है वो भी मैं डाल रही हूँ। तो जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हमें यूँ पका लेना है। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने मीडियम हीट पे ही पकाया है, तो टमाटर लगभग पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच पानी डाल लिया है। पानी डालने के बाद में ये और सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी डलेंगे और मसाले डलने के बाद में जब हम इडलियों को डालेंगे तो वो नरम सॉफ्ट रहेंगी, बिल्कुल ड्राई सूखी सी नहीं रहेंगी। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ सेकंड्स हमें इस तरह से पका लेना है और अब मैं मसाले डाल रही हूँ। तो 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है और लगभग 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब तुरंत ही हम इडलियों को डाल लेंगे। तो है ना दोस्तों, बहुत ही इजी और सुपर रेसिपी। तो ये देखिए, नमक मैं डालना भूल गई थी, तो मैं 1 चम्मच के करीब अब इसमें नमक भी डाल रही हूँ। तो इडलियों में भी नमक होता है, तो नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है। इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो इस सुपर सी और इजी रेसिपी को, जो कि बहुत ही मसालेदार मज़ेदार है, उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह की इजी और फटाफट वाली रेसिपीज़ के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, जो स्प्रिंग ऑनियन, जो हरे प्याज हमने काटे थे वो हम इसमें डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑफ़ कर लिया है। ये देखिए, इडलियाँ काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।